यह है दोस्तों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली खाद। अगर आपने अपने घर की छत पर किचन गार्डन बना रखा है और आप अपने किचन गार्डन से भरपूर सब्जियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपने फूलों के पौधे लगा रखे हैं उन फूलों के पौधों से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं या फिर फलों के पौधे लगा रखे हैं उनसे अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं अच्छे फल चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही फर्टिलाइजर बनाना बताएंगे जिसको आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस फर्टिलाइजर को आसानी से घर पर तैयार करना तो आज की हमारी ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। इस बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद को तैयार करने के लिए आपको कंडों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे यहाँ पर कंडा बोला जाता है, इसके अलावा इसको थापा उपला के नाम से भी लोग जानते हैं। गाँव में लोग इसको ईंधन के तौर पर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गाय भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। अगर आप शहर से रहते हैं तो किसी भी दूध वाले से इन कंडों को मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन कंडों के द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इन कंडों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में किसी भी बाल्टी में या ड्रम में भर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कंडों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को इस बाल्टी में भर लेंगे। इन कंडों को अब हम अच्छे तरीके से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद में कंडे अच्छे तरीके से डिकम्पोज होने लगेंगे। 24 घंटे के बाद में यही पानी एक लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हमने इस बाल्टी के बॉटम साइड में एक टोटी लगा रखी है जिससे कि जो भी लिक्विड तैयार हो हम इस टोटी से बाहर निकाल सकें। ये कंडे सिर्फ पानी डालने से अच्छे तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, बल्कि हमें इनको अच्छे तरीके से डिकम्पोज करने के लिए गुड़ के पानी का इस्तेमाल करना होगा। तो हम गुड़ का पानी तैयार करने के लिए 100 ग्राम गुड़ ले रहे हैं और इस जग में 2 लीटर पानी है। इस 100 ग्राम गुड़ को 2 लीटर पानी में हम 24 घंटे के लिए डाल देंगे और जब 24 घंटे हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से ये गुड़ पानी में घुल जाएगा। उसके बाद में हम इस गुड़ के पानी को इन कंडों के ऊपर से डाल देंगे। इस जग के 2 लीटर पानी में हमने जो 100 ग्राम गुड़ डाला था, गुड़ डाले हुए 24 घंटे का समय हो चुका है, गुड़ अच्छे तरीके से पानी में घुल चुका है। तो चलिए अब हम इसको 2 गुने पानी में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में कंडों के ऊपर से डालेंगे। तो हम यहाँ पर इस वाटर कैन में 2 लीटर पानी पहले ही ले चुके हैं और इस गुड़ के पानी को हम डबल पानी में मिला रहे हैं। इन कंडों को सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए हमने पानी डाला था और पानी डाले हुए पूरे 24 घंटे का समय हो चुका है। 24 घंटे के बाद में ये कंडे अच्छे तरीके से मुलायम हो चुके हैं। अब चलिए हम इन कंडों को अच्छे तरीके से डिकम्पोज करने के लिए, जल्दी खाद में तब्दील करने के लिए गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुड़ के पानी का इस्तेमाल करने से इन कंडों के अंदर काफ़ी सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो इन कंडों को अच्छे तरीके से और कम समय में तेज़ी से अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर देंगे। अब हम इस बाल्टी को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर छन के धूप आती हो। इस बाल्टी में कंडे भरने के बाद में सादा पानी और गुड़ का पानी डालने के बाद में अब तक का जो समय है वो 3 दिन का हो चुका है। 3 दिन के बाद में जो पानी है वो एक लिक्विड फर्टिलाइजर में बदल चुका है। अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, काफ़ी सारे पोषक तत्व हैं और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड भी है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, पौधे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। तो हम खाद बनने से पहले ही इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को हम अपने पौधों में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जितना ये फर्टिलाइजर है इसमें 2 गुना पानी मिलाएंगे, उसके बाद में अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप चाहें तो हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी। तो चलिए अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को इस वाटर कैन में डाल लेते हैं, उसके बाद में इसमें 2 गुना पानी मिलाएंगे। यह है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा। इस कड़ी पत्ते के पौधे में भी हम ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहते हैं। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, हमारा कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। तो अगर आपके पास भी कड़ी पत्ते का पौधा है तो आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में ये लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं
और उन पर अभी तक फ्लावरिंग होना स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप अपने गुलाब के पौधों में भी ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके गुलाब के पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे। इसके अलावा आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। इस बाल्टी में कंडे भरे हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। कंडे बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रहे हैं, खाद में तब्दील हो रहे हैं। जो हमने गुड़ का पानी डाला था उसकी वजह से इन कंडों के ऊपर काफ़ी सारे कीड़े पैदा हो चुके हैं और काफ़ी सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पैदा हो चुके हैं। यही कीड़े, यही फ्रेंडली बैक्टीरिया कंडों को बहुत तेजी से डिकम्पोज कर रहे हैं। ये कच्ची खाद और भी तेजी से तैयार हो इसके लिए आप खुरपी की मदद से इस खाद को ऊपर नीचे कर दें। इसके अलावा अगर आपके पास केंचुए हों तो केंचुओं को भी इस खाद में डाल सकते हैं। केंचुओं के डालने की वजह से ये खाद और भी तेजी से तैयार हो जाती है। जब तक कि ये खाद अच्छे तरीके से डिकम्पोज ना हो जाए तब तक आप इसमें हल्की नमी जरूर बनाए रखें। अगर आप इसमें हल्की नमी बनाए रखते हैं तो ये खाद और भी तेजी से तैयार होती है, लेकिन अगर ये खाद पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो आपकी जो खाद है वो जल्दी तैयार नहीं हो पाएगी। इस बाल्टी में कंडे भरे हुए पूरे 1 महीना 20 दिन का समय हो चुका है। 1 महीना 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब खाद बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पूरे तरीके से कंडे डिकम्पोज हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में हमारी ऑर्गेनिक खाद बन करके तैयार हो चुकी है। इस खाद के अंदर सारे जरूरी पोषक तत्व तो मौजूद है ही, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई नाइट्रोजन है। इसलिए इस खाद को कभी भी गर्मी में इस्तेमाल न करें, बल्कि अक्टूबर के बाद में और लास्ट अप्रैल तक इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होने की वजह से पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी रहेंगी, पौधे बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो चलिए अब हम इस खाद को निकालने के बाद में अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। यह है हमारा तुलसी का पौधा जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक तौर से ऐसी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज़्यादा हाई नाइट्रोजन हो। तो ये खाद तुलसी के पौधे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन खाद है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी सूखी हुई तुलसी भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इस तुलसी के पौधे में ये खाद इस्तेमाल करने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दे देते हैं। यह है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का ये पौधा हमारा है तो बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो चलिए इसमें भी हम ये खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस खाद को इस्तेमाल करने से पहले गमले में जो भी सूखी हुई पत्तियाँ हैं या अनवांटेड पौधे हैं उन सभी पौधों को अच्छे तरीके से निकाल दें, और निकालने के बाद में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद में इस खाद को अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करें। इस खाद का इस्तेमाल करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा और तेज़ी से बड़ा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सबसे शक्तिशाली खाद बना करके अपने सभी पौधों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।